हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नेटकास्ट ऑन वेब टेक जोन। आज हम सीखेंगे दोस्तों, गूगल क्लासरूम में आप होमवर्क कैसे देख सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो और आपके टीचर ने आपके क्लास में होमवर्क दिया है तो उसको दोस्तों कैसे देखना है, ये आज हम सीखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाए दोस्तों, ताकि मेरे अपडेटेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे और आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों आपको जाना है क्लासरूम में। दोस्तों ये एप्लीकेशन है, तो आप प्ले स्टोर में जाके ये अगर अपडेट नहीं तो अपडेट करके लीजिए। ओके, तो दोस्तों जिस क्लास में आप ज्वाइन हो उस क्लास को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आज के डेट में आपको एक होमवर्क दिया है। आपको जाना है दोस्तों सिम में या क्लास वर्क में आप जा सकते हो, या इसमें भी जा सकते हो, आपको सामने ही दिखता है वो। क्लास वर्क में देखिए आज का दिया है ये टूमर। अच्छा, ये बहुत पुराना है, ये आज का है। इसको आप ओपन कीजिए और ये देखिए कुछ क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ डिमांड। आपको शॉर्ट आंसर देना है यहाँ पे, तो शॉर्ट आंसर देने के बाद टर्न इन मतलब आपका हो गया। ओके, मैं यहाँ देता हूँ, डिमांड इज सप्लाई, मैं ऐसे लिखता हूँ कुछ। इसको टर्न इन कीजिए तो आपका ये सबमिट में आ जाएगा, तो सबमिट कीजिए, सबमिट में ये हो गया। तो दोस्तों आपने ये वर्क सबमिट कर दिया है। यहाँ पे अगर आपका कलर गया होगा तो आपका ये सबमिट हो गया है। ओके, आपने ये सबमिट कर दिया। तो दोस्तों आपके जो भी वर्क होता है, होमवर्क होता है, या आप इधर ही आपको मिलता है क्लास वर्क में या स्ट्रीम में। ओके, तो दोस्तों ऐसे ही आप गूगल क्लासरूम में होमवर्क देख सकते हो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों, ताकि मेरे अपडेटेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे और आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।